देख रहे हैं यहाँ पर उदय चंद बेस्ट एंड टू जितेंद्र हमारे स्टूडेंट लगा हुआ है अपने कार पर। इस तरीके के अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आप न्यू काम सीखना चाह रहे हो तो वो 16 जुलाई से आ सकते हैं। 16 जुलाई के बाद कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने रेफरिंग के टॉपिक पर। जो रेफरिंग का टॉपिक है स्टेबलाइजर पर ऑटोमेटिक आवाज़ छोड़ना या आना, इस समस्या के लिए हमें कुछ ना कुछ कर कारण तो हो सकता है, लेकिन इसका एक ही कारण या एक ही ऑप्शन होता है। आपकी जब रिले ख़राब या कट प्लेट ख़राब हो तभी ऑटोमेटिक कट कट की आवाज़ स्टेबलाइजर निकालता है। इस समस्या को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह के देख रहे हैं। वोल्टेज लाइट देने लगा है और ये बंद हो चुका है। आपको ऐसी ही समस्या है तो एक कार करें देखिए, जैसे देख रहे हैं लाइट भी बढ़ा रहा है पूरी तरीके से, हाई वोल्टेज आता है तो एक कट कट किया बंद निकालता है। इसका एक ही चांस है कि आप रिले या कट प्लेट चेंज कर दें, आपकी समस्या 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कोई जो दिक्कत आती है जैसे ऑटोमेटिक एंड ऑटो का स्टेबलाइजर आप कभी बनाते हैं तो आपको दिक्कत करनी कोई बात नहीं है। आप 16 या 17 दिन का इस पर कोर्स कर लेंगे तो आपको पूरे दिमाग में आ जाएगा स्टेबलाइजर कैसे बनाया जाता है, कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे बनाना चाहिए। हम आपको ऐसे न्यू न्यू टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। हम इसी वीडियो किसी स्टेप पर ड्रॉप करते हैं। हम कल बताएंगे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर पर हाई एंड टू लो वोल्टेज कैसे किया जाता है। हम इसी वीडियो में आपको बनाकर दिखाएंगे। आप इसी वीडियो ड्रॉप करते हैं। वेरी